कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको कच्ची कैरी से पन्ना आम का पन्ना बनाने का तरीका दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये एक बोल जो कैरी का पल्प लिया है, जिसे मैंने एक कैरी ली है मैंने, और उसके छिलके निकाल के उसके पीसेस कट कर लिए हैं, और कुकर में आधा कप पानी डाल के 3 सीटी आने तक उसे रखा है, और फिर बाद में निकाल के इस तरह से मैंने रख लिया। तो इस तरह एक बोल हो गया पल्प, और जितना पल्प है उसके डबल, यानी ये 2 बोल मैंने शुगर लिया है। तो अब और ये जो शुगर है वो भी अब मैं डालूंगी। मैंने इस तरह से इसे इन दोनों को ब्लेंड कर लिया है, और अब इस पॉट पे ये कढ़ाई जो है इसमें मैं डालूंगी। गैस ऑन कर दिया है, स्टोव मैंने ऑन कर दिया, और इसमें ये आधा टेबल स्पून मैं इलायची पाउडर डालूंगी। तो देखिए, मैं ये जायफल भी इसमें डाल रही हूँ, और ये सब इसमें शक्कर इसमें इस कैरी के पल्प में अच्छे से मिक्स हो, बंद कर देती हूँ, और इसे ठंडा होने के बाद किसी कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दूँगी, और ये हमारे पूरे गर्मियों के मौसम तक ये पल चल सकता है, फिर हम ग्लास में। तो देखिए, ये कैरी का जो मैंने अभी बनाया था वो पल्प है, तो मैंने इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने ये 3 टेबल स्पून पल्प लिया है, उसमें ये 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाला, और थोड़े से पुदीना के 6-7 पत्ते डाले, और मिक्सर के पॉट में उसे इस तरह से पीस लिया है। और अब मैं इसका शरबत बनाऊंगी। तो ये जो मैंने पीस के पहले ही रख दिया था वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब इसमें मैं ये आइस के पीस है वो डालूंगी, और अब इसमें मैं ये चिल वाटर डालूंगी। और उसमें थोड़ा सा साल्ट और थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये भुना हुआ क्यूमिन पाउडर है जो मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, और अब इसे सबको मैं मिक्स करूँगी। तो देखिए, अब ये हमारा शरबत रेडी हो गया है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये नींबू के छोटे छोटे पीस किए, और पुदीने के थोड़े पीस पत्ते लेकर मैंने इसे इसमें हल्के हाथ से थोड़ा सा कूट लिया है, तो वो इससे पहले मैं इसमें डालूंगी, और अब मैं इसमें थोड़ा सा ये आइस के पीसेस डालूंगी, और अब थोड़ा मैं इसमें ये भिगाया हुआ मैंने 1 टेबल स्पून सब्जा भिगाया था थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो मैं इसमें डालूंगी। तो ये पल्प है वो मैं अब ये 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। तो अब मैं इसमें 1 टी कप दूध डालूंगी, चिल दूध। ये जो है ये कोकम शरबत है, तो मैं इसको ज़रा सा पिंक कलर आने के लिए थोड़ा सा
ये सिरप कोकम का मैं इसमें डाल रही हूँ और अब मैं इसे अच्छे से हिलाऊंगी। इस पर ये मैंगो आइसक्रीम इस पर डाल रही हूँ। कैरी, सब्जा, पुदीना और आइसक्रीम, इन सब का शरबत हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम ये कैरी का शरबत जो है सोडा डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ये नींबू और पुदीने का क्रश डालूंगी इसमें ग्लास में। अभी इसमें मैं अदरक का थोड़ा सा 1/4 टीस्पून पेस्ट डालूंगी और ये जो शुगर सिरप है वो एक ऐसी चम्मच डालूंगी। ये 2 टेबल स्पून इसमें मैं पल्प डालूंगी कैरी का और अब इस स्पून से मैं इसे मिक्स करूंगी। मैं ये बर्फ क्यूब है वो डालूंगी इसमें और अब इसमें मैं ये जो सोडा है वो डालूंगी। थोड़ा ये भुना हुआ जीरा है जो मैं इसमें डाल रही हूँ और ये ब्लैक पेपर है जो मैं इसमें डाल रही हूँ और ये साल्ट है जो मैं इसमें डाल रही हूँ और अब ये हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए मेरे ये तीनों टाइप के कैरी का शरबत तैयार हो गया है। तो हम एक बार पल्प बना के गर्मियाँ शुरू होते ही रख दिए फ्रिज में। तो हमें जिस टाइप का भी शरबत बनाना होता हो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा शरबत। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।